प्रभु श्री कृष्ण ने की कलयुग के बारे में 5 चौंकाने वाली भविष्यवाणी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कलयुग के बारे में 5 कड़वी बातें जो भगवान कृष्ण द्वारा पहले ही बताई जा चुकी हैं और आज पूरी तरह सच हो रही हैं। महाभारत के समय ही पांडवों को आने वाले युग के बारे में पता चला और उन्होंने इसके बारे में जानने की इच्छा जताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में जो 5 बातें बताईं, वो आज हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। उनकी ऐसी इच्छा देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वन में जाने को कहा और कहा कि जो कुछ भी तुम वहाँ पर देखो वो मुझे विस्तार में आकर बताना कि तुमने वहाँ पर क्या देखा। ऐसा कहकर 5 पांडव वन की ओर चले गए। सुबह से शाम तक वन में घूमे और शाम होने पर भगवान श्री कृष्ण के पास गए। उसके बाद उन्होंने भगवान को बारी बारी एक एक बात बताई। दोस्तों, सबसे पहले प्रभु श्री कृष्ण ने सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से पूछा कि तुमने क्या देखा, तो उन्होंने बताया कि मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा और बताया कि काफ़ी सारे जानवर उसके पीछे चल रहे थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जिनके 2 चेहरे होंगे, यानी बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग हर तरह के इंसान का शोषण करेंगे। इसके बाद भीम ने बताया कि उसने वन में एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि उससे खून निकल आया। इस पर प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में लोग ऐसे ही होंगे जो अपनी ममता के पीछे सब कुछ भूल जाएंगे। कलयुग में मनुष्य ऐसा होगा कि यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे और उसके चरण छुएंगे, और यदि खुद का पुत्र साधु बना तो दुखी हो जाएंगे। कलयुग में लोग अपने बच्चों को मोह माया में इतना बांध कर रखेंगे जिसके कारण उसका विकास ही रुक जाएगा। और इसके बाद भगवान ने अर्थ समझाते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारी नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत है, और तुम्हारी पुत्री उनके पति की अमानत है, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। इसके बाद अर्जुन ने बताया कि उसने एक पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थीं, परंतु वो एक दूसरे जानवर का मांस खा रहा था। यह सुनकर भगवान हंस पड़े और बताया, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो विद्वान कहे जाएंगे किंतु अंदर से उनकी मनसा यही होगी कि किसी की जल्दी मृत्यु हो और उसकी संपत्ति को हड़प लिया जाए। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो लेकिन उसकी सोच और दृष्टि हमेशा दूसरों के धन को हड़पने के लिए ही होगी। वास्तविक संत तो कोई नहीं होगा। इसके बाद नकुल ने बताया कि उसने वन में देखा कि एक बहुत भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े पेड़ भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु फिर अचानक वह एक छोटे से पेड़ से टकराकर रुक गई। इस पर भगवान ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि विनाशकारी होगी, उसका पतन होगा, और इसे रोकने के लिए धन या सत्ता के जैसे बड़े पेड़ भी रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु जो हरि नाम को जपेगा इससे उसका विनाश रुक जाएगा। इसके बाद सहदेव ने एक बहुत बड़े कुएं का झुंड देखा जहां एक जगह बहुत सारे कुएं थे। सहदेव ने देखा कि सबसे बीच का कुआं खाली है और वह सबसे गहरा भी है। ऐसा देखकर सहदेव को आश्चर्य हुआ। इस पर श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में मनुष्य ऐसे ही होंगे जो अलग तरह के कार्यों में बहुत खर्च करेंगे, जैसे कि विवाह महोत्सव। लेकिन यदि किसी को वास्तव में धन की जरूरत होगी तो उसे नहीं देंगे,
और कलयुग में जो मनुष्य सबकी मदद करेगा वह हमेशा अकेला ही रहेगा, लोग उसे गलत कहेंगे। तो दोस्तों, ये थे कलयुग के 5 सत्य जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा पहले ही बताए जा चुके थे और आज लगातार सत्य हो रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।